इस वक्त की बेहद ही दुखद खबर जो कि पुलटोड़ा से सामने आ रही है। पुलटोड़ा की बात करें, गंसू एरिया की बात करें तो वहां से एक दुखद ही समाचार जो कि सामने आ रही है, जहां पर आपको ये बताते चले कि सुबह के समय एक सड़क हादसा जो है वो पेश आता है, जहां पर गाड़ी जो है वो चिन्हाब में जा समा जाती है। यह आशंका जताई जा रही है कि उस गाड़ी में तीन लोगों की बात करें, यानी कि एक बच्ची और साथ ही साथ हस्बैंड वाइफ और उनकी बच्ची जो थी वो सवार थी, जो कि ये आशंका जो है वो जताई जा रही है। और वहीं पर सुबह के समय ये हादसा जो है पेश आता है, वहीं पर ये भी बताया जा रहा है लोगों के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि वो भद्रवाह के रहने वाले थे, जो कि जम्मू की तरफ जा रहे थे, और वहीं पर किश्तवाड़ में उनको कुछ काम था जिसके चलते उन्होंने वहां की तरफ गाड़ी जो है वो मोड़ ली, और जिसके चलते घरसू एरिया की बात करें तो वहां पर जाकर सुबह में ये हादसा जो है, सड़क हादसा जो है वो पेश आता है। और वहीं पर रेस्क्यू ऑपरेशन टीम की बात करें तो वो भी इस वक्त मौजूद है, रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन अभी तक पुष्टि जो है वो नहीं की गई है, यानी कि सिर्फ यही बताया जा रहा है, यानी कि जानकारी जो इस वक्त आशंका ये जताई जा रही है कि उस गाड़ी में तीन लोग सवार थे, यानी कि एक बच्ची और साथ ही साथ महिला और पुरुष, हस्बैंड वाइफ और उनकी जो बच्ची थी, वो तीन लोग उस गाड़ी में सवार थे। जो गाड़ी जो है वो चिन्हाब में जाती है और चिन्हाब उसे अपने में समा लेता है। गाड़ी का क्या कुछ नंबर है, गाड़ी का नंबर आपसे साझा करना चाहेंगे, JK06A6311, ये गाड़ी का नंबर है, मैं फिर दोहराना चाहूंगी, JK06A6311 ये गाड़ी का नंबर है। और सुबह में ये हादसा जो है वो पेश आता है। वहीं पर सड़क हादसे की बात करें तो इस घरसू एरिया में पिछले साल भी एक सड़क हादसा जो है वो पेश आया था, जहां पर बस जो है वो गहरी खाई में जा गिरी थी। और इस गहरी खाई की बात करें तो 100 से 200 फीट गहरी खाई है जहां पर ये गाड़ी जो है वो गिरती है, और यहां पर ये आशंका जताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें, टीम की बात करें तो इस वक्त वहां पर मौजूद है, और वहीं पर सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है, लेकिन अभी तक पुष्टि ये नहीं की क्या कर पाए हैं कि ये तीन लोग जो है क्या वो यही तीन लोग हैं या नहीं है, या अभी तक पुष्टि नहीं कर पाए हैं। लेकिन लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये तीन लोग, यानी कि हस्बैंड वाइफ और बच्ची की बात करें तो उसमें सवार थे। वहीं पर अगर सड़क हादसे की बात करें, चिराग वाली की बात करें, तो आए दिन सड़क हादसे जो है वो देखने को मिलते हैं। डोडा की बात करें या फिर किश्तवाड़ की बात करें, तो ऐसे कई सारे सड़क हादसे जो है वो देखने को मिलते हैं। और वहीं पर सड़क हादसे का कोई भी ऐसी जानकारी निकलकर सामने नहीं आती है कि आखिरकार इस सड़क हादसे के पीछे क्या कुछ कारण है। वहीं पर अगर तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं तो सड़क हादसा भी हो सकता है, लेकिन सड़क हादसे की कोई भी ऐसी जानकारी सामने नहीं आती है कि आखिरकार सड़क हादसे का क्या कुछ कारण होता है, क्या तेज रफ्तार से गाड़ियां चलाई जाती हैं, या फिर किसी और वजह से गाड़ी जो है संतुलन अपना खो बैठती है, या उसकी वजह से सड़क हादसा जो है वो पेश आता है। लेकिन अगर चिनाब वैली की बात करें तो आए दिन सड़क हादसे जो है वहां से देखने को मिलते हैं। वहीं पर घरसू एरिया की बात करें तो यहां पर एक सड़क हादसा होता है, जहां पर यह आशंका जताई जा रही है कि ये तीन लोग जो है उस गाड़ी में सवार थे, और वहीं पर चिनाब वैली में जाकर ये गाड़ी जो है, चिनाब की बात करें, वो गाड़ी जो है वो उसको अपने में समा लेती है। अभी रेस्क्यू जो है किया जा रहा है, लेकिन पुष्टि जो है वो अभी तक नहीं हो पाई है। बेहद ही दुखद खबर जो कि पुलटोड़ा से सामने आ रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।